नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक सलाह के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बजाएं इस घंटे को हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले और बिल्कुल मुफ्त में देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पास के घंटे को भी दबा दें हमारे सभी उपयोगी वीडियोस को बिल्कुल मुफ्त में देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का भव्य दिन है, जो कि हम सभी अपने भोले बाबा को खुश करने में, उनकी पूजा पाठ करने में लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप भोले बाबा को खुश कर लिए तो आपके सारे काम सफल होते हैं और सुख समृद्धि आपके घर आती है। भोले के भक्त शिवरात्रि के दिन कई तरह से भगवान शिव को पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। शिव को खुश करने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा होता है, जो कि बेलपत्र और जल चढ़ाकर शिव की महिमा गाते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को पता होता है कि शिव को कैसे खुश किया जा सकता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें शिवरात्रि पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए इनका अंदाजा भी नहीं होता है और वे भूल चूक में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सही जानकारी और पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ भोले बाबा की सही प्रकार से पूजा अर्चना करना और अपनी मनोकामना को पूरा करवाना, तो आज के वीडियो को देखते रहें। चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, हल्दी का टीका। हल्दी का टीका प्रायः हर प्रकार के पूजा पाठ में हमें टीका लगाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों खास करके भोले बाबा की शिवलिंग जो होती है उस पर हल्दी का टीका भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री की सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि हमारे जो भोले बाबा हैं उनका जो वह शिवलिंग है वह एक पुरुषत्व का प्रतीक होता है, इसलिए आप भूलकर भी हल्दी का टीका ना चढ़ाएं, लाल रंग के फूल को ना चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ के दौरान फूल को चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें लाल रंग की फूल ना हो। आप चाहे तो गेंदा या फिर कोई फूल को उपयोग करें, उजला या फिर पीला, लेकिन लाल रंग के फूल को भूलकर भी उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों लाल रंग के फूल भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है। सिंदूर या कुमकुम। जी हाँ दोस्तों, सिंदूर या कुमकुम जो कि महिलाएं उपयोग करती हैं, महिलाओं के सौंदर्य का प्रतीक होता है, उसे आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप अगर कुछ चढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर चढ़ाने के लिए चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी आज के दिन भोले बाबा को जो है जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने के लिए जो विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए वह है दोस्तों कि जल चढ़ाने के लिए आपको भूल कर भी स्टील या लोहे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप अगर जल चढ़ाना चाहते हैं तो आपको तांबे या फिर पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बातें बताई है वो बिल्कुल सत्य है और भोले बाबा की पूजा को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। बस आप दोस्तों पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी भक्ति के साथ भोले बाबा के शरण में जाइए, उनका गुण गाइए। भोले बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे और हम सभी की मदद करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं को भी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी आप चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो जाए, तो आज के इस वीडियो को आप सभी ढेर सारा शेयर कर दें अपने सभी परिजन, सभी भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन्हें सही जानकारी मिले और वे अपनी पूजा को सफल कर सके सही प्रकार से पूजा पाठ करके। तो दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें और वे भोले बाबा को आसानी से अच्छे प्रकार से पूरी लगन के साथ खुश कर पाए। धन्यवाद।